तो बेसिकली आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ लूप के बारे में। लूप तो हम ऐसे पढ़ा चुके हैं, फिर भी राहुल जी को प्रॉब्लम है तो पहले उनकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। सबसे समझिए कि लूप की जरूरत क्या है, पहले चीज को जानिए। जैसे कि मुझे कोई भी कोड, ये चीज लूप जो यूनिवर्सल है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम है, तो कोई भी मान लीजिए कि कोड है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि प्रिंट प्रिंट में हमने बोला यहाँ पे कि एंटर, या फिर यहाँ पे लिख देता हूं मैं IPT एक्सेल स्कोर। बस सिंपल से बात समझिए कि मुझे इसको कई बार रन करना है। जैसे मान लीजिए इसको मुझे 3 बार रन करना है, कितना रन करना है, 3 बार रन करना है, ठीक है। तो मैं इसको 3 बार लिखूंगा, या 30 बार रन करना है तो मुझे 30 बार लिखूंगा। तो यही पे लूप की एंट्री होती है कि आपको 3 या 30 बार नहीं, आप कोड को एक ही बार लिखिए, लूप में दे दीजिए, वो 3 बार चलेगा। जैसे कि मैं लिख दिया कि फोर आई इन रेंज, हमने 3 कर दिया, ठीक है। और इस लूप को थोड़ा सा आगे करेंगे, ये रहा लाइन हट जाएगा। अब इस लूप एक क्या होगा कि ये 3 बार चले, 3 बार चला सर, तो लूप का यूज यही है कि लूप को आप अपने कोड को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए बोला था कि जैसे ही कोई नंबर एंट्री करूं, मुझसे कोई भी नंबर एंट्री करूं, वो नंबर प्राइम है या नहीं है पता करना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे ए इक्वल टू इंट, और इंट के अंदर हमने बोला इनपुट, इनपुट में हमने बोला कि एंटर नंबर स्लैश एन। अब ए एंट्री नंबर एंटर कर दिया, अब मुझे क्या करना है कि इस नंबर को हर एक नंबर से डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए अगर ए पे 15 हुआ तो मुझे 15 को 2 से, फिर 15 को 3 से, फिर 15 को 4 से, इस तरह से एक एक करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और इसका जो मोड है, तो मोड पता करना है। मोड अगर 0 हुआ इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर मान लीजिए कि 15 हमने डाला तो 2 से लेके 14 तक हर एक नंबर में डिवाइड करूंगा, अगर किसी नंबर से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि तो प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है। अब ऐसे एक एक करके डिवाइड करना है सिक्वेंसली, तो यहां पे मैनुअल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो यहां पे हम करेंगे क्या, लूप, क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं कि फोर आई इक्वल टू, चले आई इक्वल नहीं, माफ कीजिएगा, आई इन रेंज, रेंज में हमने क्या दिया, 2 to n, a सॉरी a, ठीक है। और फिर हमने सिंपल सा ए कंडीशन दे रहा हूं कि इफ ए मोड आई इक्वल टू 0, तो यहां पे शो प्रिंट करें, प्रिंट यहां पे ए कॉमा इज, स्पेस देता हूं, प्राइम नंबर। और यही पे क्या करना है, ब्रेक, और नीचे आना,
else n equal to एल्स की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहां पे लिख देते हैं हम प्रिंट ए इज नॉट प्राइम नंबर, ए रन करते हैं। नंबर एंट्री करने के लिए बोल रहा है, नंबर में मान लीजिए हमने यहाँ पे 15 एंट्री कर दिया, एज नॉट प्राइम नंबर, एज प्राइम नंबर, यहाँ पे दिक्कत आ गई ना सर। क्योंकि इस रिजल्ट को भी प्रिंट कर रहा है, मुझे इसको प्रिंट नहीं करवाना, ठीक है। तो ब्रेक जो है सिर्फ लूप के लिए काम करता है, प्रोग्राम एंड करने का काम नहीं करते। हम लोग इसमें करते थे कि प्रोग्राम को एंड कर दिए, तो प्रोग्राम एंड करने का काम नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए, कंटिन्यू क्या नहीं कंटिन्यू क्यों लगाएंगे, हमें तो हमें प्राइम नंबर मिल गया तो मुझे यहीं पर रोक देना है ना, मुझे प्राइम हाँ नंबर मिल गया तो रोक देना है, आगे नहीं चेक करना है। तो ये तो लूप तो रुक जा रहा है ना, पर प्रोग्राम तो चल रहा है ना सर। तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहां मुझे यहां पे लिखना नहीं पड़ेगा, यहां पे देना पड़ेगा कि ए अगर इक्वल टू 0 है तो यहां पे हम p इक्वल टू p p प्लस इक्वल 1 कर देते हैं, सिंपल। ये सब ये करेंगे मैं छह एक बताता हूँ, बता दो क्यों। जबकि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई लूप चले हमारा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और यहाँ पे उल्टा कर हाँ उल्टा भी कर सकते हैं ना यहाँ पे हम, हाँ उल्टा कर सकते हैं, सॉरी। सकते हाँ यहाँ पे जैसे हुआ कि इज प्राइम नहीं नहीं नॉट इक्वल टू, नहीं 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 समझे नहीं सर। तो जब प्राइम नंबर उसको मिल गया तो आप बात ये समझे कि ये जो एक ही माने कि 0 जो मिलेगा एक दो बार ही मिलेगा ना सर, और मोड तो कई बार मिल सकता है ना सर। अच्छा तो यहाँ वही मैं जो सोच रहा था वही सही रहेगा, हम यहाँ पे p इक्वल टू 0 कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं p प्लस इक्वल 1, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे हम कंडीशन देंगे कि इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे करेंगे प्रिंट, और प्रिंट में लिखेंगे ए कॉमा इज नॉट प्राइम नंबर। अगर पी के ऊपर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है, पी 0 है, यहां पे एल्स लगाते हैं, एल्स 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 माफ कीजिए एलिफ एलिफ, पी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है तो किसी से डिवाइड किसी से डिवाइड नहीं हुआ। तो यहां पे करेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम देंगे ए इज प्राइम नंबर, ठीक है सर। अब इसको रन करते हैं, एंटर नंबर बोला है हमने 15 डाल के एंटर मारा, देखा इज 15 इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है।
अगेन रन करता हूं, इस बार इस पे रहता हूं 70, तो 70 इज प्राइम नंबर, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहां लूप को समझ लीजिए कि लूप क्या है। देखिए जैसे कि हमें जरूरत क्या थी कि हर नंबर को, मान जो ए है उसमें सिक्वेंसली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से हर नंबर से डिवाइड करना, उसका मोड निकालना। मोड समझते हैं, मोड मतलब शेषफल निकालना। अगर डिवाइड करते समय शेषफल निकल के आ रहा है इसका मतलब वो डिवाइड पूरी तरह से नहीं हुआ, अगर शेषफल जीरो आ रहा है इसका मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया। जैसे 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 डिवाइड हो गया, आपका रिजल्ट 5 आ गया। लेकिन अगर 4 से करूंगा तो रिजल्ट में हमें मोड आएगा। तो अगर मोड, अगर सारे मैंने सिक्वेंसेस सबसे मैंने किया डिवाइड और सबका अब मोड आया, इसका मतलब है कि किसी से डिवाइड पूरी तरह से हुआ नहीं। तो जैसे ही पूरी तरह से डिवाइड होगा P के ऊपर एक नंबर स्टोर कर देगा और यहां से ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्यों हो गया? कि एक से भी डिवाइड हो गया तो बाकी चेक करने की क्या जरूरत है, समझे? किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो बाकी चेक करने की जरूरत क्या है? इसलिए अच्छा, इसमें एक काम ये जो किए, इसका एक और तरीका हो सकता था। एक तरीका बता दिया आपको, यहां पे चेक कर लिया कि पी इज ग्रेटर देन 1 है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं 0 है तो प्राइम नंबर। एक और हो सकता था, यहां पे हमने लास्ट क्लास पे एल्स बताया था, याद है? तो क्या एल्स से हो सकता है? क्या लग रहा है सर, एल्स से होगा? सर इसको तो कितने ही तरीके से करते हो, कितने ही तरीके से हो जाएगा, एक्शन की तरह नहीं। एल्स से नहीं होगा सर। तो यह इसमें आप लूप को समझे कि नहीं सर? तो लूप का काम जस्ट रिपीट करना है, और यहां तो अभी अच्छा है ना, इसमें कोई नेक्स्ट ब्रेक्स लगाने की झंझट नहीं है। लूप में हम ब्रेक क्यों लगाते हैं? ताकि अगर मुझे इससे आगे का लूप नहीं करना है तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है? बट प्राइम नंबर निकालने का एक फॉर्मूला और है ना, कि अगर जो हमने नंबर एंटर किया है और वो अगर का सम है, तो सम करने के बाद अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो उतना भी नहीं पड़ेगा। तो अच्छा, 5 + 1 को आपस में सम करेंगे, ये बोल रहे हैं आप? अगर सब मोड 0 आता है तो मतलब वो प्राइम नंबर है, नहीं आता है तो प्राइम नंबर, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर, यहाँ पे हमने एंटर प्राइम नंबर किया, इस बार क्या है कि इसको हम टेक्स्ट में लेते हैं, तब ठीक है। इसमें ये लूप लगेगा कि 4 आई इन ए, ठीक है, और यहां पे हम ऊपर पी 0 कर देते हैं, यहां पे पी इक्वल टू पी प्लस इंट, इंट में हमने आई इंट इंट इधर इंट ए होगा ना, ए इंट ए, और इसमें हमने आई कर, फिर यहां पे इफ कंडीशन, इफ
इफ पी मोड थ्री इक्वल टू जीरो, देन क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर ना, क्या सर? ए इज नॉट प्राइम नंबर, और यहां पे एल्स प्रिंट ए कॉमा इज प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, एंटर नंबर हमने यहां पे 17 दे दिया, एरर आ गया। स्ट्रिंग इंडिकेट मस्ट बी इंटीजर नॉट एसटीआर, बट इन पे तो कवर कर रहा हूं। क्यों दे रहा है? तो सही है, जो नंबर हम डालेंगे उसको अलग अलग करने के लिए ही तरीका है ना सर। अगर हम इसको ऐड ना करें, इसको डालता हूँ यही, एक मिनट, वैसा करते हैं तो क्या होगा कि जो इनपुट हम डालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 डाला, 17 डाला, तो 1 और 7,
हमने कुछ लिया नहीं है सर, नहीं उसके लिए दिक्कत है पूरी। हाँ ठीक है ठीक है। ये देखते ऑलरेडी एस टी आर ही है ना, ए इन ए और यहां पे देंगे हम डी डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर इंट, और इंट में क्या देंगे आई। अब नीचे अगर हम इसको प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट डी। तो मैंने क्या किया, सारे नंबर्स को इस तरह से एक अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो जो एंटर डालेंगे सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबको स्प्लिट करना है, चाहे एक डिजिट का हो चाहे 10 डिजिट का हो। तो इसका हमने क्या किया कि हमने नंबर एंटर करवाया, लेकिन इसके आगे इंट नहीं लगाया क्योंकि मुझे नंबर को करेक्टर में इनपुट करवाना था, ठीक है। ओके उसके बाद मैंने एक लिस्ट लिया और बोला कि फोर आई इन ए, मतलब उतना बार वो ए चलो जितना करेक्टर यहां पे ए में, और हमने बोला कि इसमें डी के अंदर अपेंड कराते जाओ, डी के अंदर क्या कराते जाओ, अपेंड कराते जाओ एक एक करके। लेकिन अपेंड कराने से पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर, फिर सारे नंबर्स नंबर्स में एक यहां पे इस लिस्ट के अंदर पहुंच गया, समझे। अब बारी आती है सम करने, तो क्या अगर हम यहां पे लिखें, इसी इसी को लिख दें कि सम, सम के अंदर हमने इस डी को ले लिया, तो इसका सम दिखेगा यहां पे। अगर मान लीजिए हम 17 देते हैं तो 8 आना चाहिए, तो 8 आया, ठीक है। तो यहां पे हम लगा सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि इफ सम, और सम में क्या कर दिया मैंने टी, और यहां पे दिया मोड इक्वल टू मोड बाय 3 इक्वल टू 0, देन क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट A is not prime number. ठीक है, और else में print A is prime number. ठीक है सर। तो यहां पे याद रखिएगा कि आप किसी भी लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू को अपेंड करा सकते हैं। अपेंड ना सर, बेसिकली क्या है कि लिस्ट के अंदर वैल्यू डालना। जी हाँ, लिस्ट के अंदर वैल्यू डालना, और वैल्यू डालना मतलब कि उसको रिप्लेस नहीं करना, ऐड करना।
जैसे 1, 2, 3 ऐसे, जैसे हम एक्सेल में डेटा कैसे ओपन कराते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, ठीक है। विदाउट सर इसमें, तो यहां पे हम ब्रेक को समझ चुके थे, हम एल्स को समझ सकते थे, राइट। अब बात करते हैं कंटिन्यू का, और कंटिन्यू का आप देखें तो कंटिन्यू बोलता है द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज यूज इन द लूप गो टू द बैक ऑफ द बिगनिंग फॉर द लूप। ठीक है, अब चलिए इसका एक एग्जांपल समझाते हैं कि कंटिन्यू का यूज कहां, इसको मैं कॉट कट कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे x इक्वल टू 0 ले लिया, अब यहां पे मैं वाइल लूप लगाता हूं, वाइल वाइल में बोला कि x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, और यहां पे x प्लस इक्वल 1। अब मैं यहां दूंगा कंडीशन दे रहा हूं कि इफ x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, और यहां पे कर दिया मैंने कंटिन्यू, ठीक है। अब यहां हम कर देते हैं प्रिंट, और प्रिंट जो होगा, एक प्रिंट जो होगा वो आपका इसके समकक्ष होगा, एक्स इक्वल इतने एक्स इक्वल यहां पे कॉमा हम एक्स कर देते हैं, और एक जो होगा हमारा लूप के समकक्ष होगा, प्रिंट एल्स बोलते हैं इसको, प्रिंट आउट ऑफ लूप। अब इसको रन करते हैं, यहां देखिए क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 तक आया, और फिर यहां पे आउट ऑफ लूप हो गया, एक कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। बार नहीं, 5 बार, क्या बोल रहे कैसे काम किया कंटिन्यू में, जैसे कि हमने बोला कि इफ अगर एक्स ग्रेटर देन 5 है, क्या लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 5 है, इसने 1 इसको इसने लूप को खत्म कर दिया, यहाँ पे वो वापस 1 से चलने लगा, यानी जहां पे कंटिन्यू लगेगा तो सर वो पर्टिकुलर इंस्टेंस लूप के अंदर इसको स्किप कर देगा, नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेगा। जी जी, जैसे हम 1, 2, 3 चला रहे हैं, अगर हमने 2 पे कंटिन्यू लगाया है तो 2 नहीं चलेगा, 3 चलेगा। जी जी, जैसे मैंने यहाँ चलेगा 1, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल एक एक्स इक्वल टू 2 कर दिया, चलिए आप बोले ना डबल इक्वल टू 2, अभी कौन आया इतना देख देख जी बस ले, अभी यहां दिख रहा है 2 दिख रहा है आपको सर, यहां वन बाय 3 आ गया। हाँ जी, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस को स्किप करेगा। जी हाँ, मशीन की ब्रेक जो है वो क्या करता है कि पूरी लूप को खत्म कर देता, और कंटिन्यू क्या है कि उस पर्टिकुलर लूप को खत्म करेगा जहां पे हुआ है। जैसे यहां पे देखिए दूसरा लूप था, तो दूसरा लूप में कोई प्रिंट विंट नहीं किया उसने, इसने प्रिंट किया नहीं प्रिंट किया, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा उसने किया, 10 तक किया उसने। बात समझ में आया कि अगर मान लीजिए आप 10 आप लूप चला रहे हो, जैसे मान लीजिए आप एक 10 वेबसाइट को कॉपी कर रहे हो, राइट,
उसमें से आपको लग रहा है कि दो वेबसाइट को कॉपी नहीं करता है, ठीक है, तो यहां इफ कंडीशन लगा दीजिए कि अगर वेबसाइट ए हो तो कंटिन्यू कर दे, तो फिर वो जो कॉपी करने वाला जो फीचर होगा वो फीचर वर्क ही नहीं करेगा। मैं अच्छा और सिमिलर होता है पास, पास का मतलब होता है पास डू नथिंग, ठीक है, यूजिंग द पास डू नथिंग, द पास स्टेटमेंट डज नॉट डू एनीथिंग, इट यूज विथ इफ स्टेटमेंट इनसाइड द लूप रिप्रेजेंट द नो ऑपरेशन। तो यही सिमिलर था, कंटिन्यू के अंदर ही होता है, बस को इसको भी हम आपको समझाते हैं क्या करता है पास। तो यहां भी हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू जीरो और यहां देते हैं वाइल, वाइल हमने बोला कि एक्स इज लेस देन 10, एक्स प्लस इक्वल 1। अब इस कंडीशन देते हैं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 तो यहां पे क्या आ जाए पास, यहां पे हम करते हैं प्रिंट में हमने यहां पे डाला एक्स इक्वल कॉमा एक्स, प्रिंट आउट ऑफ अब देखिए क्या करें, एक से लेके 10 तक दिखाया, तो कंडीशन ट्रू होने पे पास मतलब कुछ भी नहीं किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, स्किप नहीं किया इसने, इसने आगे फॉरवर्ड करते चलेगा। क्वेश्चन है इसमें हाँ बोले कि जो कंटिन्यू और वेट स्टेटमेंट है, ठीक है, वो न्यूज में ही चलेंगे सिर्फ और सिर्फ, है जी हाँ ना, और जो पास स्टेटमेंट है हमारा वो कहीं भी चल सकता है, जैसे इफ मेरा ख्याल हो या फिर दूसरी वाला बात है ना। जी, यूज द यूज द पाथ इफ स्टेटमेंट और इनसाइड द लूप रिप्रेजेंट द नो ऑपरेशन, जैसे कि आप अपने बहुत सारे ऑपरेशन दे रहे हैं, जैसे पास आपका दिख रहा है, तो क्या होता है हम लोग रिजर्व छोड़ देते हैं कि भाई अभी इस पे कंडीशन नहीं है लेकिन बाद में इस पे कंडीशन डालेंगे, तो आप पास पास लगा दीजिए। मैं तो यही करता था, समझे कि नहीं, जैसे मैंने मुझे 50 मुझे बोला गया कि कम से कम 20-25 ऑपरेशन होंगे एक कंडीशन फुलफिल होने थे, 20 अलग अलग कंडीशन है, 20 अलग अलग ऑपरेशन है, लेकिन मुझे फिलहाल दो ऑपरेशन दिया गया, लेकिन मैं प्रोग्राम कर दिया और प्रोग्राम में हमने पास लगा दिया, नेक्स्ट में अगर जैसे जैसे मेरे पास ऑपरेशन आ जाएंगे पास को रिप्लेस करके चला जाऊंगा, तो कोडिंग में मुझे इजी रहेगी। मैं तो इससे यूज यही करता, ठीक है। यहां पे आता है अगर इक्वल टू 5 होता, जी अगर इक्वल टू 5 होता तब भी प्रिंट करता पूरा। अच्छा हाँ, देखिए यहां पे ग्रेटर देन 5 पे प्रिंट कर रहा है ना, देखिए ये सारा पास इट मींस डू नथिंग। अब कल के डेट पे मैं पास जहां जहां पास है वहां पर अपना कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है जी। हालांकि हम ज्यादा यूज करते हैं कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को, ब्रेक स्टेटमेंट को पूरी लूप खत्म करने के लिए यूज करते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट को लूप के एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे वर्क ना करने के लिए यूज। बस समझ में आया, अब यहां एक और आता है आपका असिस्ट, उसको देखते हैं। हालांकि लूप में जरूरत यूज नहीं होता लेकिन हाँ है तो बता देता हूँ इसको।
जैसे हमने लिखा x इक्वल टू इंट, इंट में हमने यहां पे क्या दिया इनपुट, और इनपुट में हमने यहां पे दिया कि एंटर नंबर स्लैश टी। अब यहां पे मैं चाहता हूं कोई दो एंट्री करे तो एरर दे, यहां पे लिखता हूं असेस्ड एक्स इक्वल टू जीरो है ERT। और यहां पे हाँ असेट सर भावनाओं को समझिए ना सर, क्योंकि तो हमने अपनी पढ़ाई राजकीय उच्चतम विद्यालय से पढ़े थे। अच्छा कॉमा नहीं दिए, ठीक है सर। ये सर आपने जीरो पे इक्वल किया है, टू पे इक्वल होगा ना? हाँ टू कर देते सर, गलती की सर। अब जैसे ही एंटर करेंगे रन करेगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे टू डाला, टू डालने के साथ क्या दिखाएगा? एंटर नंबर टू ऐसे नहीं दिखाएगा। अच्छा हाँ इसमें नहीं शो करना चाहिए इसमें एरर। प्रिंट से मतलब नहीं, हमें एरर प्रिंट करना है ना, मैं शो प्रिंट कर दी। मैं प्रिंट करवा भी देता हूँ, प्रिंट में मैंने यहाँ पे डाल दिया। अरे टू डालता हूँ, ये एंटर टू आ रहा है। असेस का काम है कि इसको एरर की तरह शो कर, अगर आपके कुछ कंडीशंस है उन कंडीशंस पे डालना है नंबर, तो आपने जो मैसेज दिया है ना उस मैसेज को एरर की तरह शो करता है। अच्छा इसमें हम अगर ग्रेटर देन लगाए तो क्या दो? अच्छा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा कितने इक्वल से, पता नहीं एसेट से इसमें काम नहीं कर रहा सर। वहां पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एरर शो होना चाहिए, ठीक है ना? एरर शो नहीं कर रहा। ठीक है यहां पे हम लूप को खत्म करते हैं, ठीक है सर। लूप आपको व्हाइल लूप डू लूप दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? राहुल जी अब दिक्कत है? ठीक है सर हम आ गए सर।